चिचोरे बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। चिचोरे की सक्सेस से स्टार्स भी काफी खुश हैं। ऐसे में A24 की टीम जा पहुंची फिल्म के लीड एक्टर सुशांत और डायरेक्टर नितेश तिवारी के पास, जहां फिल्म की सक्सेस को लेकर सुशांत और नितेश ने रिलीज से पहले होने वाली एक्साइटमेंट और नर्वसनेस हमारी टीम के साथ शेयर की। वहीं सुशांत ने बताया कि वो रिलीज से पहले खुद को रिलैक्स करने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। इस दौरान सुशांत ने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया और दूसरी तरफ नितेश ने फिल्म की स्टारकास्ट के जरिए अपना बचपन दोबारा जिया। स्क्रीनिंग के वक्त के किस्सों के साथ साथ फिल्म की सक्सेस के एक्साइटमेंट को देखने के लिए देखिए सुशांत नितेश के साथ हमारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यस, रिलीज के एक रात पहले की जो वक्त होता है वो थोड़ा एंटिसिपेशन में रहता है। आप भले ही आपने कितनी भी अच्छी चीज़ बनाई हो, रिलीज के बाद फिल्म आपकी नहीं रहती है, जनता की हो जाती है, और आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि उसको उतना ही प्यार मिले जितनी आपने उम्मीद करी थी। बट एक बात मैं सच कहना चाहूँगा कि फिल्म का कुछ असर मुझ पर और मेरी टीम पर भी हुआ है। मुझे याद है मैं और मेरे राइटर्स बैठ के डिस्कस कर रहे थे रिलीज़ के एक रात पहले, और एंड में हम लोग ने वही रियलाइज़ किया कि यार हमने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है, अब जो होगा वो जनता के हाथ में है, तो हमें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर ने जो बोला बिल्कुल वही है, एंटिसिपेशन में रहते हैं थर्सडे की नाइट, लेकिन मैंने उसको हटाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना हमारा चल रहा था, पार्टी वार्टी चल रही थी, तो ये एडिशन था मेरे लिए थर्सडे नाइट में। इस फिल्म में जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है वो सभी का दिल रुभा रहा है। क्या आपकी अपनी लाइफ में कोई ऐसा फेज है जो आप याद करते हैं और काफी खुश होते सोचकर, लेकिन दुख होता है कि वो फेज अब नहीं रहा जिंदगी में? जी हाँ, जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं, अपने बड़े भाई से मांग सकते हैं, और सारी चीज़ें बड़ी आसान होती है, बाद में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है मैं अपने बचपन वाले डेज को मिस करता हूँ। मैं जिन दिनों को सबसे ज़्यादा मिस करता था, थैंक्स टू ऑल दीज गाइज, मैं उन दिनों को फिर से जी पाया इनके जरिए, तो आई मीन आई कांट बी हैप्पियर। फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से भी काफी ज्यादा बढ़ रही है आगे, तो इस फिल्म की सक्सेस आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर अब सेलिब्रेट करना शुरू हुए? नहीं, मैं तो फिलहाल सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी हुआ है वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा, उम्मीद से कई गुना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इसको अभी एब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जितना मिले लगता है कम मिले, तो उम्मीद है कि प्यार और मिलेगा। और यू नो, थैंक यू एवरीवन हु हैज़ लाइक द फिल्म, हु हैज़ गॉन एंड रिकमेंडेड इट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, यू नो योर लव इज़ ऑल दैट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस। जी, और एक बात जो सर अभी मुझे कह रहे थे कुछ दिन पहले, हम जब हम स्क्रीनिंग पे गए थे तो सर से और कुछ कास्ट मेंबर से एक मैम ने आके कहा था, और जो फिल्म देख रही थी हम सबको लग रहा था कि शायद थैंक यू बोलेंगे, लेकिन सॉरी ये बोलेंगे कि पिक्चर बड़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बहुत ही इंकरेजिंग है हम सबके लिए कि इस तरीके का इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ रही है फिल्म सब पे, और लोग इतना ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। इंडस्ट्री से ये सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है आपको? मुझे कुछ 100 से 150 कमेंट्स सर से मिले हैं फिल्म करते समय। ओके, जब वो कहते थे तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता था कि जो उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है वो हम लोग परफॉर्म करके सर भी खुश लगते थे, तो वो सारे जो कॉम्प्लीमेंट्स थे वो सारे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट्स थे। आई थिंक इंडस्ट्री से यूजली जो कमेंट्स मिलते हैं वो टेक्निकल टर्म्स पे होते हैं कि आपने लिखा बहुत सुंदर है और आपने डायरेक्ट बहुत सुंदर किया है, बट अगेन यू नो जो ज़्यादा मायने रखती है मुझे वो ये है कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। सो आई थिंक प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स असाइड रखकर इंडस्ट्री के जो मित्र हैं वो भी उसको एक पर्सनल लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस फिल्म में एक जैसे अंडरडॉग कैसे विनर बनता है वो कहानी भी दिखाई गई है, तो क्या आप दोनों की लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि किसी पॉइंट पर किसी ने आपको लूजर फील कराया हो? एंड ऑफ कोर्स नाउ टू बी अ विनर्स इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स।
देखिए ये डिपेंड करता है कि आप नंबर वन पर्सपेक्टिव्स की बात है और दूसरा कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। हाँ अभी भी कोई मुझे देख के कह सकते हैं कि नहीं यार जितना कर सकता था उतना नहीं किया, तो फेलियर टाइप का ही है, या बोल सकता है कहाँ से कहाँ चला गया ये तो बड़ा। तो ये पर्सपेक्टिव्स की बात होती है और मुझे लगता है सर यही फिल्म से ये बताना भी चाहते थे कि ये प्रोसेस की बात है, ट्राई करते रहना एक्साइटमेंट से और रिजल्ट से ज़्यादा मायूस ना होना और ज़्यादा खुश भी नहीं होना, बस लगे रहना। मेरे ख्याल से व्यक्तिगत लेवल पे हम सब दो तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। एक लड़ाई होती है जो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, जो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं या आपके फेलियर पे शायद आपकी पीठ पीछे आपके सामने थोड़ा आपका मजाक उड़ाते हैं, वो एक तरह की जंग होती है। जो दूसरी जंग होती है वो आपकी अपने आप से होती है। मेरे ख्याल से जो बाहर की जंग है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती रहेगी, उससे आप लड़ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वॉर है वो अपने आप से है और फिल्म वही कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके अंदर ये संतुष्टि है कि आप यू हैव गिवन इट योर बेस्ट, तो फिर रिजल्ट मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। सो सुशांत सोनचिड़िया को काफी लोगों ने पसंद किया था बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी, तो क्या आप एक रिलीफ फील कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म क्रिटिक्स को तो पसंद आई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है? रिलीफ जो है वो अलग तरीके अलग वजह से है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस जो है वो जनरली बताती है कि कितने लोग जाके फिल्म देख रहे हैं, और अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो उसका मतलब फिल्म अच्छी होगी, तभी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है। तो ये दोनों चिचोरे फिल्म को लेके दोनों बातें सच्ची है कि बॉक्स ऑफिस भी अच्छी आ रही है और वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यही हम चाहते थे और हम लोग बहुत खुश। और अगर कोई फिल्म ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर से कोशिश की जाती है, उसके लिए मायूस नहीं हुआ था। सर रामायण एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या ऋतिक हम अभी एक्चुअली में राम का किरदार निभाएंगे? जी नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम लोग अपनी लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह हम लोग उसका स्ट्रक्चर करेक्ट करें, हम लोग उसको विजुअली कितना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बना सकते हैं। तो अभी हम लोग मोस्टली यू नो पेपर पे वी आर ट्राइंग टू गेट द फिल्म राइट एंड दैट्स द वे आई लाइक टू वर्क। यू नो वंस आई हैव टू गेट इट राइट ऑन द पेपर ओनली देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कास्टिंग। सो यस यू नो एज ऑफ नाउ वी आर ओनली ट्राइंग टू गेट इट राइट ऑन पेपर। सुशांत आप काफी एक्टिंग के बारे में पढ़ाई भी करते हैं, आप काफी बुक्स रीड करते हैं, तो क्या इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने कोई ऐसी टेक्निक यूज की जो आपने एक्टिंग के बारे में पढ़ी हो? नहीं, जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, एक वेल रिटन स्क्रिप्ट यही होती है कि एक्टर का काम आसान हो जाता है, वो समझ में आ जाता है कैरेक्टर किस तरीके का, और वैसी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सर को बहुत बोर किया क्वेश्चंस पूछ के, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया। और मुझे लगता है इसके अलावा कि मैं अन्नी को अच्छे से समझ जाऊँ कोई एक्टिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं थी, बस ऑनेस्टी की ज़रूरत थी जो हम सब में थी। सुशांत बहुत मॉडेस्ट है, बहुत यू नो मेथोडिकल एक्टर हैं, और मतलब मुझे लगा था कि मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ। फिर से जितने सवाल मुझे दोनों एज ग्रुप के कैरेक्टर्स को लेके सुशांत ने पूछे थे, और मुझे बहुत और कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने सोची भी नहीं थी यू नो लिखते समय, तो मुझे फिर उनको सोच कर सुशांत को बताना पड़ा था कि भाई ये कैरेक्टर इस उम्र में इस पड़ाव पर ये कर रहा है, तो उससे आई थिंक काफ़ी उसको निभाने में बहुत हेल्प हुई। सर डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, और जब आप एक एंसेंबल कास्ट के साथ काम करते हैं तो आप किस तरह से मेंटेन करते हैं कि आप अपना रवैया हर एक्टर के बिहेवियर के हिसाब से चेंज करते हैं, या फिर आप इंश्योर करते हैं कि जो सारे एक्टर्स हैं वो आपके हिसाब से चले, आपके बिहेवियर के हिसाब से चले? नहीं, मैं आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसने मेरे साथ काम किया, मैं बहुत ही स्ट्रांगली टीम वर्क में बिलीव करता हूँ। मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यू नो मैं जो भी करता हूँ वो प्रोजेक्ट की भलाई को ध्यान में रखकर ही करता हूँ, और आई एम समवन हु इज़ वेरी ओपन टू सजेशंस। यू नो इट कैन कम फ्रॉम एनी वन ऑन द शूट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स फ्रॉम माय एक्टर्स दैट दिस इज़ द वे दे वांट टू पिच इट, एंड वी सिट एंड वी डिस्कस सो दैट ऑन द डे ऑफ द शूट हम लोगों को कभी ये नहीं लगे कि हमारे पास कुछ डिसएग्रीमेंट है। जो भी आपको करना है, जितना भी प्लान करना है, जितना भी डिस्कशन करना है, शूट के पहले प्लानिंग स्टेज में डिस्कस कर लेते हैं, शूट में हम लोग जाके सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज हाउ। सुशांत आपने कोई इनपुट्स दिए हो, बिकॉज ये कह रहे एक्टर से भी काफी इनपुट्स आते हैं, किस चीज के? लाइक ड्यूरिंग द शूट की कैरेक्टर के लिए या सीन के लिए किसी तरह के आप इंटरव्यू
इनपुट्स दिए? जी जी, परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से हमेशा कोलैबोरेटिव एफर्ट ही होता है. डायरेक्टर से इनपुट लेने के बाद हम को एक्टर्स के साथ इम्प्रूव करते हैं, सोचते हैं कि वो कैसा पिच कर रहा है. सारे एक्टर्स मिलके जो सीन का बॉटम लाइन है, तात्पर्य, उसको पकड़ के रखते हैं. और फिर बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं भी की जाती, जो स्पॉन्टेनिटी पे खेली जाती है. तो ऑफकोर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और बहुत सारे लोग और एफिशिएंट लोग मिलके कुछ सही कर पाते हैं. एक क्रिटिसिज्म जो फिल्म को मिल रही है, और एक ही क्रिटिसिज्म मिल रही है, वो है मिडिल एज के लुक के बारे में, कि हर किसी की एक जैसे रिसीडिंग हेयरलाइन दिखाई है एंड वो थोड़े लुक सिमिलर लग रहे हैं. अब आप जब देख रहे हैं मूवी, आप इस बात से कितना सहमत हैं? मुझे लगता है कि मेरे तो पूरे बाल थे सर. हाँ, आई टेल यू वन थिंग, यू नो, आई टेक ऑल द क्रिटिसिज्म इन द राइट स्पिरिट. इन द डिफेंस ऑफ ऑल द लुक्स, आई विल टेल यू ओनली वन थिंग, कि जितने भी आपने फिल्म में लुक्स देखे हैं वो मैंने रियल लाइफ से बोरो किए हैं. मैंने और प्रीति शील ने बैठ के काफ़ी मेरे बैचमेट्स को स्टडी किया. जो हमारा 92 का लुक था वो भी मैंने अपने कॉलेज लाइफ के रेफरेंस को साथ में रख के डिसाइड किया कि ये लुक ऐसा रहेगा. और जो 45 एज ग्रुप है उसको भी हम लोगों ने काफ़ी रेफरेंसेस को सामने रख कर ही एकदम जितना क्लोजर टू रियलिटी लुक हो सकता है वही रखा है. अभी आई डोंट नो, यू नो, एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोगों ने जितना रियल रख सकते थे लुक को, हमने उतना रियल रखने की कोशिश की है. सुशांत, आपने कहा कि आपने अपना कैरेक्टर कहीं नितेश सर पर बेस किया था, तो ये कैरेक्टर निभाते हुए आपको अपने में और नितेश सर में कितनी सिमिलैरिटीज दिखी? जी, इस तरह जब कैरेक्टर के को परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं तो डिसिमिलैरिटी नहीं सोचते, सिमिलैरिटी सोचते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं. ऑफकोर्स जो क्वेश्चंस मेरे पास कैरेक्टर्स को लेकर थे वो सब सर वो आंसर कर रहे थे, तो जो अंडरस्टैंडिंग थी कैरेक्टर की वो सर से ही आ रही थी. और फिर मैंने देखा कि ये सोचने का तरीका काफ़ी अच्छा है, और बहुत हद तक सर भी ऐसा सोचते. तो वाइल स्क्रिप्ट वॉज मोर देन सफिशेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है फिल्म में. कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मुझे पता था, होता था कि एज अ डायरेक्टर ही नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी सर राइट है उस क्वेश्चन का राइट आंसर देने में, तो मैं इमीजिएटली पूछ लेता था. सर, क्योंकि जैसे ये बात हुई कि इन्होंने अपना कैरेक्टर आप पर बेस किया, क्या वो जब कैरेक्टर ने भारे थे आप कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट कर पाए अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप का ही कैरेक्टर सामने देख रहे थे? No, he was borrowing my mannerisms. He was not borrowing my personality, because Anni in the film is very different than what I am in real life. So yes, you know, it was interesting to see a reflection of yourself on screen. Need not mean personality, but in terms of body language and, you know, vulnerability. So yeah, that's where I will leave it up to. जाते जाते audiences को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आया, और जिस तरीके से लग रहा है कि ये वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से जाके जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें, और जिन्होंने देख लिया है वो वापस देखें. सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कि आज जो चीज़ आपको बहुत कठिन लग रही है, जो आपको लगता है कि ये क्यों हुई मेरे साथ, ट्रस्ट मी, आज से 10 साल बाद जब आप उसको वापस देखेंगे तो वो आपकी जिंदगी की सबसे फनीएस्ट मोमेंट होगा. आई एम नॉट किडिंग. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. थैंक यू.